स्पेसिफिक दवाई है नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस पेन के लिए, और एक इंपॉर्टेंट पेन किलर है जो मैं पेन किलर का सीरीज बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एलोपैथिक का जो पेन किलर है उसका जबरदस्त आपको प्रॉब्लम जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है किडनी और लिवर के ऊपर और दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर जो होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं होता। ये पेन किलर का जो सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस ज्यादा फैले, लोग होम्योपैथी पेन किलर इस्तेमाल करें और इनका इस्तेमाल करने से बिना कोई साइड इफेक्ट के आप पेन से हर एक दर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपको मैं स्वागत करता हूं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे कॉफिया क्रूडा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी दवाएं हैं, एलोपैथिक सिस्टम में भी है, होम्योपैथी में भी है, लेकिन जब हम एलोपैथिक सिस्टम का नाम लेते हैं तो वहां पर जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवा है वो टेम्पररी बेसिस में काम करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे पास आते हैं और वो अल्टीमेटली बोलते हैं कि हमने नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सारी दवाएं ली है, टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह लिया है, लेकिन वो परमानेंट काम नहीं करता। जब तक लेते रहो तब तक काम करता है, जैसे ही छोड़ दो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ऐसा आपने फील किया होगा और सुना भी होगा, अगर आपने खुद यूज किया है तो उसको महसूस किया होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसको होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन करता है, इसका कोई टेम्पररी रिजल्ट नहीं आता, ये परमानेंटली काम करता है और बिना कोई साइड इफेक्ट के। आज भी एक ऐसे ही नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए दवा के बारे में बात करेंगे, कॉफिया क्रूडा, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग करता है। उसका जो वीकनेस है, फाटिग है, वीकनेस आपका मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, कहीं भी दर्द होना और इसका दर्द होना कि आप सहन नहीं कर पाते, इनटॉलरेबल पेन, तो इस तरह की समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। जो लोग कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, यंग जो होते हैं उस टाइम में तो उनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उम्र ढल जाती है, 40-50 के आसपास हो जाती है, तो कॉफी जो आदत जिनकी होती है उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है शरीर में, तो इस तरह की दिक्कत होता है। उसके साथ साथ नींद प्रॉपर से नहीं आना, रेस्टलेसनेस फील होना, ठीक है, तो सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। अगर कॉफी बाय चांस उनको ना मिले तो सर दर्द भयानक होने लगता है, ऐसा कि मानो सर फट जाएगा, तो इस तरह की समस्या उनको देखने को मिलती है जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं और थोड़ा उम्र ढलने लगती है। जो कॉफी ड्रिंकर्स होते हैं उनके लिए ये दवा अमृततुल्य है, बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा अपने घर में रखिए और इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपके काम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो जानेंगे उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स है, क्लिनिकल पॉइंट्स जानने के बाद अंत में मैं आपको पोटेंसी के बारे में बताऊंगा, किस पोटेंसी में कैसे यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, सबसे जो बेहतर है इंक्रीज वास्कुलर नर्वस एक्टिविटी, इसका जो नर्वस सिस्टम वाला एक्टिविटी है, जो सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा है इसका, वास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों के ऊपर इक्वल इंपैक्ट रहता है ये, उसके जो फंक्शनल लेवल है उसके जो एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये हमने देखा कि वास्कुलर और नर्वस एक्टिविटी को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देता है और उस चीज का जो भी जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। कॉजिंग नर्वस वीकनेस एंड न्यूरल्जिया, उसका परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम बोले तो कि नर्वस वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है, कुछ काम करने को मन नहीं करना, थकान रहना, नींद सही तरीके से नहीं आना, रेस्टलेस फील होना और न्यूरल्जिया मतलब नर्वस में जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता, इसका दर इनटॉलरेबल पेन होता है, इधर उधर घूमता रहता है पर उसको शांति नहीं मिलती, नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए दवा बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अनयूजुअल एक्टिविटीज ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर में और दिमाग में एक तरह का अजीब ख्यालात उसको पनपते रहता है, उसको एक्टिविटी मतलब शरीर से वो कुछ ना कुछ करने की उसको चाहत रहती है, दिमाग में अनबुल ख्यालात आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ख्यालात आते रहते हैं, ड्रीम्स आते रहते हैं और इस ख्यालात के चक्कर में उसको रात रात भर नींद नहीं आती, वो कुछ काम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता, कुछ काम करने के लिए जाता है लेकिन कुछ अलग ही ख्यालात उसके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों के जॉब इस कदर से जाते हैं और वो जो काम करते हैं उनको मन नहीं लगता, तो ये चीज कॉफिया क्रूडा का एक स्पेसिफिक लक्षण है। आप देखना ऐसे पेशेंट भरे पड़े हैं हमारे पास भी, और आपने भी देखा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का अभाव है, जिस काम वो करने जाते हैं वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में मतलब इधर उधर के ख्यालात
अननेसेसरीली आते रहते हैं। तो अनयूजुअल जो एक्टिविटीज है माइंड एंड बॉडी का, शरीर में भी एक जगह पर नहीं बैठता, वो इधर उधर घूमता रहता है और उछलता कूदना, ये सब चीजें रहती है कॉफी क्रूडा के साथ। ठीक है, हेडेक इंटेंस एंड एज ब्रेन डन इनटू पीसेस, मतलब सरदर्द इस कदर भयानक होता है कि मान लो सर फट जाएगा और टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इस कदर ब्लास्ट होने जैसा सरदर्द होता है। ये जो उसका सरदर्द है ये ओपन एयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये चीज आपको हमेशा ख्याल रखना है जब भी आप कॉफी क्रूडा प्रेस्क्राइब करें। ठीक है, टूथेक दांत के दर्द में भी ये बहुत ज्यादा काम करता है, और जो कि ठंडी पानी मतलब आइस कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर एकदम ठंडा पानी उसको अपने मुंह में रखने से वो दांत के दर्द में उसको आराम मिलता है। गर्मी थोड़ा सा भी टच करने से दांत का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है, इसका पिक्यूलियर पॉइंट है। नींद नहीं आना, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, और जैसे कि मैंने कहा मेंटल एक्टिविटी, अननेसेसरीली चीजें, अननेसेसरी ख्याल उनके मन में आते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेन रिएक्शन की तरह आते रहते हैं, जिसके कारण उसको रात रात भर नींद नहीं आता, वो थक जाता है, नींद के टैबलेट्स पिल्स खाने को उसको आदत पड़ जाती है, लेकिन झपकी आता है टैबलेट खाने के बाद, लेकिन प्रॉपर नींद नहीं आता, डीप स्लीप नहीं होता, कैटनैप स्लीप होता है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ आवाज हुआ उड़ जाता है। तो इस तरह का अगर आपको कोई पेशेंट मिले तो कॉफी क्रूडा डेफिनेटली यूज करें। स्मॉल साउंड, जैसे कि ओवर सेंसिटिव होता है हर एक सेंस उसका, ओवर सेंसिटिव, कोई थोड़ा सा छू ले या फिर आवाज आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जिससे उसके नर्वस सिस्टम में एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है तो वो नींद खुल जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती, और ये आप हमेशा ख्याल रखना। मोडालिटी में जैसे कि मैंने कहा सर्दी में उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ता है, और आराम कब मिलता है, गर्मी से उसको आराम मिलता है। तो ये चीज इसका मोडालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा ख्याल रखना, हर एक चीज में ये मोडालिटी काम में आ सकती है। ठीक है, माइंड का कंडीशन अगर देखें, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा एक्साइटेड जॉयफुलनेस, और उसका दुष्परिणाम के कारण भी जो भी वो प्रॉब्लम होता है, जो जो बीमारियां होती है उसमें भी आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ओवर सेंसिटिवनेस होता है, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव, हर एक सेंस में उसका, हर एक ऑर्गन में उसका ओवर सेंसिटिवनेस होता है, तो ये आप हमेशा ख्याल रखना। ये चीज आपको हिपरसल्फ में भी मिलेगा, ओवर सेंसिटिवनेस, तो इसमें भी मिलता है, कॉफिया में मिलता है, तो आप उसको हमेशा ख्याल रखिए। और बैड इफेक्ट्स, कौन कौन सी जगह में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस चीज के दुष्परिणाम के कारण हम इसको यूज करें, समराइज वे में देखें तो सबसे पहला है टू मच यूजिंग ओवर जॉय, बहुत ज्यादा जो एक्साइटेड हो जाता है, या कुछ थोड़ा सा भी उनको सफलता मिल जाए या कुछ भी थोड़ा सा ऐसे उनको मतलब मिल जाए जो चाहते थे, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या ये ऐसा करने चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, तो उस तरह के चीजों में इनका दिमाग ओवर सेंसिटिवनेस होता है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सेस वाइन, बहुत ज्यादा शराब पी लेने से भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो एक नक्स वोमिका आएगा, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट दवा कॉफी क्रूडा, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंडी में जो विंटर सीजन अभी चालू है, सर्दी के कारण अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन चीजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम, तो इसको हमेशा ख्याल रखिए क्लिनिकली, ये पहले आप पूछना पेशेंट को कि तीनों में से कोई एक तो नहीं है, बैड इफेक्ट्स अगर हो तो डेफिनेटली आप कॉफी क्रूडा के बारे में सोचिए। अब ये तो रहा क्लिनिकल पॉइंट्स, पोटेंसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे बेहतरीन है 30, हम रिपीट कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे में रिपीट करिए, जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए आप इसको 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके दिन में 2 बार कर देना, ये आप 3-4 दिन देके फिर बंद करिए, 2-3 दिन वेट करिए, फिर 200 का दिन में 2 बार 2 दिन दीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, 10-15 दिन वेट करिए, फिर अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिले और टेम्पररी बेसिस में हो तो आप उसको 1 ml में दे सकते हैं सिंगल डोज, एक ही दिन देना है और एक ही बार देना है, अगर जरूरत पड़े बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गया तो और एक बार रिपीट कर सकते हैं एक ही दिन में या दूसरे दिन, लेकिन 2 डोज से 2 बार ज्यादा नहीं रिपीट करना, 1 या 2 बार बस आप रख देना है, फिर 2-3 महीने के बाद ही सोचेंगे उसको रिपीट करें कि ना करें, इस दौरान रिपीट करेंगे तो एग्रावेशन हो सकता है, ये आप लिख के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉफी क्रूडा स्पेसिफिक दवाई है नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस पेन के लिए, और एक इंपॉर्टेंट पेन किलर है, जो मैं पेन किलर का सीरीज बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एलोपैथिक का जो पेन किलर है उसका जबरदस्त आपको प्रॉब्लम जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है किडनी और लिवर के ऊपर और दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर जो होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं होता, ये पेन किलर का जो सीरीज मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस ज्यादा फैले, लोग होम्योपैथी पेन किलर इस्तेमाल करें, और इनका इस्तेमाल करने से बिना कोई साइड इफेक्ट के आप पेन से, हर एक दर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं,
तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और ताकि उन लोगों को इनके बारे में पता चले, वो इनका इस्तेमाल करें और जो साइड इफेक्ट है उनसे बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।